हेलो एवरीवन, मैं कनिक शर्मा स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कनिक शर्मा व्लॉग्स। आज मैं ऐसी फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आप डेंटिस्ट के पास जाके एक बार तो जरूर डरेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कार्तिक आर्यन का न्यू एक्सपेरिमेंट मूवी फ्रेडी की। जिसमें वो एक साइको के रोल में नजर आने वाले हैं, जो कि एक बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट होता है, और कैसे कैसे वो उसके लाइफ में चीजें बदलती है और वो कैसे क्या होता चला जाता है, इस मूवी में आपको ये सब देखने को मिलेगा। फ्रेडी जिनवाला एक इनोसेंट लड़का जो बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट है, बहुत ही सिंपल लाइफ जीना चाहता है और शादी के लिए कई लड़कियों से मिलता रहता है और रिजेक्ट होता रहता है। उसकी लाइफ में यह सब चलता रहता है, तभी एंट्री होती है मूवी में अपना डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अलाया फर्नीचर वाला की, जो इस मूवी में कायनाज ईरानी का किरदार निभा रही है। यह दोनों मिलते हैं, इन दोनों में प्यार होता है। आपको लगेगा कि फिल्म यहाँ पे खत्म हो जाती है, जी नहीं, इसके बाद असली ट्विस्ट एंड टर्न शुरू होती है। बात करें अगर अलाया की, तो वो इनकी डेब्यू मूवी थी और इन्होंने भी सुपर परफॉर्मेंस की है, कह सकते हैं कि एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने वाली है आने वाले टाइम में। बात करें अगर एक्टिंग की, तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट कार्तिक आर्यन के कंधों पर थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया है। कार्तिक आर्यन ने इसमें कह सकते हैं कि एक साइको लवर का किरदार निभाया है, जो कि उनके सारे किरदारों से अलग है। अगर हम ये कहें कि ये कार्तिक आर्यन के अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, तो ये गलत नहीं होगा। कार्तिक आर्यन ने अपने ही स्टीरियोटाइप को एक तरह से ब्रेक करा है। मूवी अगर आप देखेंगे तो आपको काफी स्लो पेस पे लगेगी, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती रहती है, इसमें टर्न्स एंड ट्विस्ट बढ़ते रहते हैं। क्लाइमेक्स में आपको कार्तिक आर्यन एकदम डिफरेंट नजर आने वाले हैं, बिल्कुल खुल के वो आपको एक अलग ही करेक्टर में दिखेंगे, जो कि आपको देखने में काफी मजा आएगा। कार्तिक आर्यन अब अपने साथ कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रही है, जैसे इन्होंने इससे पहले मूवी की थी धमाका, उसके बाद अब ये कम्प्लीट एक्टर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, वर्सेटैलिटी की तरफ ये ध्यान दे रहे हैं। जैसे हम पहले बोलते थे कि कार्तिक आर्यन एक ही तरह की मूवीज करते हैं, उनकी मूवीज में और कुछ नहीं होता है, लेकिन ये जो इन्होंने लास्ट टू मूवीज करी है, इसमें इन्होंने दिखाया कि ये कंप्लीट एक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और काफी अच्छा इन्होंने इसमें रोल किया है। आप इनको देखेंगे तो आपको मजा आएगा। बात करें अगर म्यूजिक की, तो म्यूजिक इतना खास नहीं है, थीम म्यूजिक है जो चलता रहता है, और इसके अलावा एक काला जादू जो अरिजीत सिंह ने गाया है, वो सॉन्ग सुनने वाला है, लेकिन वो मूवी में नहीं है, वो एंड में आता है, एंड क्रेडिट्स में आता है। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी इतना कुछ खास है नहीं। म्यूजिक मैं इसको कह सकता हूँ कि बाय म्यूजिक नहीं, बाय स्टोरी आपको ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। अगर बात करें इसकी OTT रिलीज की, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इसको OTT पे रिलीज ना करके थिएटर में रिलीज किया जाता, तो वहां पे अच्छा बिजनेस बना लेती। इस मूवी में आपको तीन चीजें बिल्कुल देखने को पूरी तरह से मिलेगी, डार्क रोमांटिक सस्पेंस और थ्रिलर। पूरी मूवी आपको बांध कर रखेगी, पूरी मूवी देखने में आपको मजा आ जाएगा। मैं इस मूवी को 5 में से 3.5 रेटिंग दूंगा। मूवी हॉटस्टार पे अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकती है। अब रिव्यू भी है काफी लेट डला है, एक हफ्ता मूवी को आए हुए हो चुका है, लेकिन आप मूवी देख सकते हैं, मूवी देखने वाली है और काफी इंजॉय भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहे। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो बताएं, कुछ बुरा लगा हो तो बताएं। मिलते हैं आपसे अगली मूवी के रिव्यू में। थैंक यू वेरी मच।